ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमन्ते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब हम लोग बात करेंगे वृष राशि, जुलाई का महीना, सॉरी अगस्त का महीना 2023, माफ करिएगा। इस महीना का राशिफल जाने उससे पूर्व थोड़ा सा ये देख लें कि ग्रह स्थिति क्या है। वृष राशि के तृतीय स्थान पे सूर्य बुध और आ जाएंगे चतुर्थ स्थान पे मंगल शुक्र बुध के साथ, शुक्र बकरी, छठा स्थान पे केतु और दशम स्थान पे शनि, एकादश खाली, द्वादश में राहु और गुरु बृहस्पति। कैसा रहेगा इस महीना का आपके स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपके तन मन धन जन गोप लक्ष्मी, कैसा रहेगा करियर भाग्य प्रेम प्यार सुख, कैसा रहेगा शिक्षा और व्यवसाय और नौकरी, वृष राशि। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। पहले देखें आपके स्वास्थ्य की उपस्थिति क्या है। द्वादश में राहु गुरु चल रहे हैं, द्वादश में चलना कहीं ना कहीं थोड़ा सा गोचरीय स्थिति में थोड़ा 10-20% कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिलडुल रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के इंटरनल। लग्नाधिपति शुक्र बक्रस्त होते हुए अपने से चतुर्थ स्थान पे अति बली महावीर्यवान, फुल पावरफुल, लेकिन उल्टा बुद्धि, उल्टा मन, उल्टा पर्सनालिटी, सीधा समझोगे नहीं, उल्टा समझोगे, लेकिन पावर है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं विचारात्मक लेवल पे एक रिवर्स इफेक्ट डाल सकता है। उल्टा लग्नेश मतलब जिंदगी उल्टा, थोड़ा उथल पुथल, अति ऊर्जावान होने के कारण कहीं ना कहीं कामुकता में वृद्धि, मंगल के साथ रहना, फिर सूर्य के पीछे आप पानी में आ जाना। कैसा रहेगा धन वाणी परिवार, अवस्था बहुत बढ़िया है, चिंता का कोई विषय नहीं है। धनाधिपति अपने से अच्छे गोचर पे, कोई पाप दृष्टि प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है और जो भी है वो सामान्य है। पराक्रम भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, कम्युनिकेशन का घर का बात करें तो ये एकदम टॉप गुड बेस्ट सॉलिड वृष वालों के लिए थर्ड हाउस में एकदम एनर्जी के साथ है। गो गो बम बम बढ़िया। भूमि भवन भान माता सुख मन का परिस्थिति मंगल, द्वादशाधिपति लॉस हाउस का लॉर्ड यहां पर बैठना, सप्तमाधिपति बैठना 50% बहुत अच्छा है, लेकिन 50% कहीं ना कहीं खर्चा इसी के बारे में बता रहा है, लेकिन कंट्रोल इसको कर लेंगे शुक्र देवता। बात करते हैं आपके प्रेम प्यार शिक्षा। वृष वालों का प्रेम प्यार शिक्षा का अगर बात करें, 1, 2, 3, 4, 5 पाप कर्तरी में फंसा है, नॉट गुड रिजल्ट, बोलना बेकार है, अच्छा होगा लेकिन कोई मतलब का नहीं रहे। पाप कर्तरी मतलब जो भी फल होगा होगा लेकिन कट जाएगा, लग्नाधिपति वहां से जाके लाभ स्थान पे, इसलिए लाभ तो देगा लेकिन कोई काम का नहीं। बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख। मंगल अपने से लाभ स्थान में, सॉलिड गुड बेटर बेस्ट बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम अवेल नहीं है, अपने घर को भी देख रहे हैं तो और भी बढ़िया है। अब बात करते हैं वृष राशि वालों का भाग्य का काम, तो भाग्य का बात कहना ही नहीं है, वो भाग्याधिपति कर्म घर के घर में, तो भाग्य से कर्मों का प्राप्ति मस्त दिखा रहा है। और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शनि भाग्याधिपति कर्म के घर में, टॉप नया करियर भाग्य से मिलना है, जिसको नहीं मिला मिल जाएगा, नौकरी मिल रहा था इसमें, इस ये अति बली महापराक्रमी महावीर्यवान नहीं होने वाले काम को भी बनाएंगे, बनाएंगे जरूर लेकिन डिले होगा। कुछ व्यक्ति मेरे को पूछ रहे थे ट्रांसफर के बारे में, गुरु जी ट्रांसफर बताओ, होगा जरूर लेकिन डिले होगा, लेकिन ट्रांसफर यहाँ विच्छेदात्मक प्लैनेट का ऊर्जा चाहिए था, शनि नो डाउट विच्छेदात्मक है लेकिन बकरी है तो बाप पूरा पहले का काम खत्म करो, तो ट्रांसफर नहीं किया तो लटके रहोगे। शनि के पास हाँ है लेकिन आप चाहोगे तो नहीं, जब शनि बाबा चाहेंगे। तो कैरियर का
एकदम टॉप गुड बेस्ट, मिलना मिलना, मान सम्मान का प्राप्ति वृद्धि सब है, डीले है, धीरे है, आराम से है। लाभ का बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए, मिल जाए तो भी पाप कर्तरी में, तो यहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं होने वाला है। ऊपर से मंगल का दृष्टि जाना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या प्रद रहेगा। अब आपके वृष राशि वालों का अगर हम लोग इस महीना का ओवरऑल अगर विचार करें तो ये बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा और बहुत बुरा भी नहीं कहा जाएगा, औसतन परिस्थिति ही कहा जाएगा। तो वृष के लिए ये महीना अगर हम लोग गिनती से निकालें तो 70-80% गुड रहेगा। और इस महीना आपको अगर उत्तम और अच्छा फल चाहते हैं तो भोलेनाथ के शरण में जरूर जलाभिषेक करें। और वृष राशि का अगर इस समय द्वादश राहु के कारण दुश्चिंता बढ़ रहे हैं तो दुश्चिंता विनाश हेतु जरूर आपको शिव मंदिर भोलेनाथ के पास जलाभिषेक करना चाहिए। और इस महीना का अगर हम लोग देखें कि औसतन क्या रहेगा तो मैं बोलूंगा औसतन अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा समस्या नहीं रहेगा। और बहुत सारे क्षेत्र से धन आय का भी प्राप्ति योग यहां बता रहा है। एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती का मौका मिले तो एकदम ना छोड़ें, जरूर उसके पीछे जाएं। और नौकरी क्षेत्र में अगर कहीं ना कहीं से थोड़ा सा देखेंगे तो उदासीनता बढ़ेगा, एक डिप्रेशन टाइप कंडीशन दिखाई दे रहा है। और छात्रों के लिए टॉप है, व्यवसायियों के लिए भी ये टॉप महीना रहेगा। धन्यवाद।